Switch villain, you are invited to a local function, but only couple entries allowed. Couple and meet me. I have some tips to give. So. Nice! So we were like, oh my god, pair banane aur obviously ek ladki left out hogi kyunki चार लड़के थे और पांच लड़कियां थी। कपल क्लास लेके आई नहीं, खुश हो रही है ये। क्यों अश्विनी? अश्विनी के साथ सिलसिला बना लेना। कौन सा शादी करनी है अश्विनी? अमन। मैं अमन के कमरे में गई, प्रभजोत और अमन के साथ में बैठी। अमन, यू हैव थ्री चॉइस, रूबी, परी एंड प्रियंका। रूबी, वुड यू नॉट गो विद अश्विनी? यार अगर वहां पर कोई टास्क दे दिया ना, मैं नहीं करूं बस। बट अगर डांस दे दिया देन इट वुड बी गुड। वो कहते हैं ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, तो रूबी को उस समय ये नहीं बोलना चाहिए था कि अगर डांस का टास्क होगा तो मैं अश्विनी के साथ जाऊंगी। मेरा वहीं दिमाग खराब हो गया था और मैंने सोच लिया था कि मैं प्रियंका के साथ अपना पेयर करने वाला हूँ। मुझे लगा कि अश्विनी ही मुझे ही पैर एज अ उठाएगा, बट जब तक मैं ऊपर गई तब तक पूरा पासा पलट चुका था। वही तो हम भी सोच रहे थे। हमें नहीं निकला, मेरे को उस टाइम समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। I went to Aman's room and I asked him, what is your decision? मैंने अश्विनी से बात करी, अश्विनी कह रहा कि ये तो अमन से पूछ ले, बाकी उसका मन परी के साथ है शायद। यार क्योंकि मैंने फिर प्रियंका को अभी बोल दिया कि वो अश्विनी रूबी को लेगा क्योंकि वो स्ट्रांग है, सो आई विल गो विद यू। और उसकी माँ हो गई टाइट फेस, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि मुझे कोई भी सिलेक्ट कर लेगा। मुझे तो उसके ऊपर तरस आ रहा था कि अपनी बेवकूफ़ी की वजह से आज ये कहीं की नहीं रही। उसने प्रियंका को ऑलरेडी कमिटमेंट कर दिया। चलो भाई, मतलब उसने कहा कि यार बात कर लो। आई वॉज इन अ शॉक स्टेट कि ये क्या हो गया। अगर नितिन नहीं होता है मैं उस पर आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकती थी। चलो तुम लोग जाओ। मैं बहुत कंफ्यूज था कि मैं किसको चूज करूँ किसको ना करूँ, तो मैंने एचक्यू सेशन पे छोड़ दिया। स्प्लिट्स विलन्स, आज सवेरे मैंने आपको एक मैसेज भेजा था, तो क्या जोड़ियाँ बन गई? हाँ ऑलमोस्ट बन गई, सिर्फ हम दो बच्चे हैं। बहुत ऑब्वियसली पेयर्स दिख रहे थे, गौरव सुबुई साथ बैठे थे, सताक्षी प्रभजोत साथ बैठे थे, प्रियंका अमन साथ बैठे थे, तीन लोग अलग अलग दिख रहे थे, रूबी परी और मैं। इससे पहले कि चौथी जोड़ी बने, आप ये जान लें कि जिस लड़की की जोड़ी आज नहीं बनेगी वो जाएगी डंपिंग जोन। फाइनली वही हुआ, मुझसे पूछा गया कि मैं किसको चूज करना चाहता हूँ। आई विल चूज परी। रूबी ने भाई अपनी चोर वाली लुक दी मेरे को ऐसे करके कि जैसे ना मतलब मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उस टाइम मेरा दिमाग खराब हो गया था, सीधा डंपिंग जोन में विदाउट एनी रीजन। दैट वाज अ बुलशिट। रूबी डार्लिंग, अब जाने वाले हो डंपिंग जोन में, लेकिन मैं हमेशा कोई ना कोई बात कहना भूल जाती हूँ। प्लीज टेल मी इट्स अ गुड थिंग। आप चाहो तो खुद को डंपिंग जोन में जाने से बचा सकती हैं। यहाँ पर किसी भी एक लड़की को आप चैलेंज दे सकती हैं। Yes. आप ये बताइए कि आपको किस लड़के के साथ जोड़ी बनानी है। ये तो टूटेगी नहीं, वो नहीं टूटेगी, बचे ही है दोनों। अश्विनी ने तो अपना डिसीजन ले लिया है, सो आई चूज अमन। यानी आपको प्रियंका को चैलेंज देना हो। रूबी डबल साइड खेल रही है, वो हमको आके बोलती है मैं तुम्हारी साइड हूँ, उधर जाके बोलती है मैं तुम्हारी साइड हूँ, तो ऑब्वियस था वो रीज़न। मैंने जरूरत नहीं थी कि तू प्रियंका को ही चूज करेगी। चैलेंज बताने से पहले अमन को इस सीट पर बैठना होगा। अमन को बुलाया गया, उसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई, हमें समझ नहीं आ रहा था क्या है क्या नहीं होगा। प्रियंका, रूबी, कहते हैं कि दिल की नब्ज हाथ में होती है, आपको अमन के हाथों के जरिए अमन के साथ दिल से दिल का कनेक्शन जोड़ना होगा। मैं वहां चेयर पे बैठा हुआ ब्लाइंड फोल्डेड, मुझे बस ये पता लगा कि दोनों मेरे पास आई हैं एंड दे गोइंग टू स्टार्ट दैट चैलेंज।
जैसे ही उन्होंने ऑयल डाला तो कति सेंसेशन सी आ गई थी अच्छी वाली. ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा था किसी सैलून में आ गई हूँ मैं और देख रही हूँ एक बंदे का मैनिक्योर हो रहा है. मैं उसकी फिंगर्स में अपनी फिंगर्स डाल रही थी ताकि उसको पता चले कि पतले हाथ पतली फिंगर्स किसकी है. ये रिंग फिंगर जो होती है इसका कनेक्शन सीधा दिल से होता है और लेफ्ट हैंड वाली लड़की ने उस पे रिंग बना दी थी. दैट वाज वेरी स्मार्ट ऑफ हर. हॉट ऑयल, उसके बाद शॉवर जेल, उसके बाद तो मैं भूल गया कि कौन रूबी है कौन प्रियंका है. मैं बस उनकी परफॉर्मेंस एंजॉय कर रहा था. आवाज नहीं कर रही. आज तक उसके किसी लड़की ने हाथ नहीं पकड़ा होगा. दो दो लड़की हाथ तो उसका पकड़ रही है. वो ऐसे ओ ओ ऐसे ऐसे आवाजें निकाल रहा था. पता नहीं कैसा हो क्या रहा है. तू इतना खुश क्यों रहा है. I was confident कि पता चल गया है उसको कि मैं कौन सा साइड पे खड़ी हूँ. अमन, Challenge. क्या आप अपना वो हाथ उठाएंगे जिससे आपको दिल के कनेक्शन की फीलिंग मिली. शॉक हो गया था कि यार अगर इसने प्रियंका को चूज करा था तो इसने रूबी का हाथ क्यों उठा दिया, क्योंकि उन दोनों के हाथों में जमीन आसमान का फर्क है. आपको क्या लगता है कि इस हाथ को प्रियंका और रूबी में से किसने छुआ होगा? I don't know, प्रियंका. देखो तू कहाँ से आ गई. अंदर से वो चाहता था रूबी को चूज करना, प्रियंका बहाना था उसका चूज करने का, क्योंकि उसको प्रभजोत से नहीं बिगाड़नी थी और साक्षी से नहीं बिगाड़नी थी. रूबी, आज का चैलेंज आपने जीता. जैसे ही मैं सेफ थी वो धूप जैसे छांव में कन्वर्ट हो गई थी. सारा मौसम सुहाना हो गया था, चारों तरफ हरियाली आ गई थी. प्रियंका, आपको यहाँ से सीधे डंपिंग जोन जाना होगा. नो प्रॉब्लम. मेरे को बुरा लग रहा था उस वक्त कि कम ऑन यार, तूने मेरे साथ पैर बनाया था. अगर ऐसे ही था तो पहले ही रूबी से पैर बना देता. हमारा एचक्यू सेशन ओवर हुआ, हम वापस विला में गए. उसके बाद हम सब तैयार होके निकले फॉर द केरला फंक्शन. स्प्लिट्स विलेंस टुडे इन स्प्लिट्स विला फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वी आर गोना टेक इट वन स्टेप फर्दर. आज पहली बार दो स्प्लिट्स विलेंस की शादी होगी यहां. केरल में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं और जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो पूरी कम्युनिटी गैदर होती है और वो गेम्स खेलते हैं, ट्रेडिशनल डांसेस होते हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं. और आज भी ऐसा ही एक एक्टिविटी हम यहाँ करेंगे. और राधा, गर्ल्स आप करो. कंपटीशन का नाम है स्पाइस इट अप कंपटीशन, जहां पर आपको अपने पार्टनर्स को यानी लड़कों को ढूंढना होगा एक छोटी सी भीड़ में. आपके आंखों पे पट्टी होगी तो आप देख नहीं पाओगे. और गर्ल्स, आपकी मदद के लिए लड़कों पर स्पाइसेस लगाए जाएंगे. नो, यू कैन स्मेल इट, यू कैन टेस्ट इट. टेस्ट इट. अब कोई कुत्ता थोड़ी हूँ मैं कि मेरी नाक इतनी तेज है कि सूंघ के मैं पहचान लूँ कौन सा मसाला है. और हल्दी और नमक और मिर्ची के अलावा तो मुझे पता भी नहीं कौन सा मसाला क्या होता है. हर एक लड़के पर एक डिफरेंट स्पाइस होगा. बॉयज, स्प्लिट्स विलेंस, आर यू रेडी फॉर द कंपटीशन? पहली लड़की जो कंपटीशन में हिस्सा लेगी वो है परी. ये सबको आगे खड़ा कर दिया, मेरे को कोने में डाल दिया, चुपचाप खड़ा कर दिया, बुद्ध बना के, कुछ नहीं बोलना. योर टाइम स्टार्ट्स. आ गई और टच कर गई मेरे को. तिनके तुमके से हाथ में आ गए. यही है अश्विनी. परी, कांग्रेचुलेशंस, यू फाउंड योर मैन. सताक्षी, योर टाइम स्टार्ट्स.
सताक्षी ने मुझे फाइनली पकड़ लिया, स्मेल किया, she knew it was her man. सताक्षी, congratulations, you found your man. Yeah, I was really happy I got him. Here comes Ruby. I knew it ki he's Aman. I got him. I got my Dania boy. It's time now for our fourth and final contestant. Let's call out Subuhi. And your time starts now. Yeah. Subuhi! Yeah. Well done. Subuhi, आप इतनी शर्मा क्यों रही हैं? शर्मा नहीं रही, इसका टेस्ट इतना गंदा है चीज, मुझे पता चल गया यही था। किसका टेस्ट? दालचीनी का कि गौरव? नहीं नहीं, दालचीनी का। दालचीनी का, अच्छा। Splits villains. It's time for the spice it up competition results. Pari, your total time is 2 minutes and 41 seconds. Sataakshi, your total time is 2 minutes and 16 seconds. Ruby, 1 minute and 50 seconds. I was about to jump there. Yeah, अभी तक सबसे ज़्यादा मेरा है. Wow. मुझे ऐसा मन कर रहा था उस time अपनी photo को लूँ और उस नाक पे पप्पी कर लूँ. Subuhi, your total time is 1 minute. And 32 seconds. Oh my God. You have won the Spice It Up competition. और Book of Hell के हर फिर से आप सेफ हो. Hello. इस बंदी ने कंपटीशन जीत लिया. तो आज हैप्पी यार, मैं उसको कहता यार तूने कर दिखाया, तूने इन लड़कियों के सही चपाटा दिया, सही जवाब दिया मुंह पर. रूबी अभी सेफ हो. सताक्षी, परी और प्रियंका, आप तीनों हो डंपिंग जोन में. But don't worry, there's always something good that comes out of a dumping zone. A fantastic date with your king. All the best. अब कंपटीशन खत्म होता है फाइनली और हम सब वापस विला में आते हैं, तो अश्विनी मेरे पास आता है और उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बोली गौरव के बारे में जिसकी वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ गया था. पूरा चिड़ मच रही है बड़ी. गौरव की वजह से इससे तो मुझे जड़ों में लग गई है सच में. इसकी हरकत हो गई तेरे को मैंने पहले दिन पे कहा था, तू मानी नहीं. अश्विनी मुझे बताता है कि गौरव ने कहा कि उस दिन डंपिंग में जो मैंने बोला अबाउट सुबुही कि आई लाइक यू एंड आई वुड लाइक टू विन द शो विद यू, मुझे पहले उसे पर्सनली बोलना चाहिए था और बाद में सबके सामने बोलना चाहिए था. आई वॉज ऑलरेडी पिस्ड क्योंकि ये बात जो उसने अश्विनी को बोली वो मुझे आके भी बोल सकता था. और फिर जब हम सब साथ बैठे थे तो मैंने सडनली वो बात स्टार्ट करी. डंपिंग वाली वो जो बात अभी हुई थी थोड़ी देर पहले, वो तुझे बात याद है? थोड़ा सा याद दिला, कौन सी है डंपिंग वाली बात? कौन सी डंपिंग वाली? अगर इतना तुम्हें टेंशन होती ना कैमरे के सामने आने से तो चीजें की शुरुआत ही नहीं करनी. बात सही है, तू मुझे 3 बार ये बात बोल चुका है. मेरे माइंड में एकदम से स्ट्राइक हुआ कि अश्विनी की किसी बात से सुबुई सड़ी हुई है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है. देयर इज समथिंग जो अश्विनी ने कुछ पोर्ट्रे करके इसको बोला है. मैं समझ चुका हूँ कौन सी बात कह रही है. तूने बोला मैं बता दूँ. समहाउ गौरव को आइडिया हो गया कि हाँ अश्विनी ने वो बात मुझे बता दी है. शर्ली ने ऑन कैमरा मुझसे पूछ लिया कि डू यू लाइक हर, तो मैंने बोल दिया हाँ आई लव हर. मैं कहा मैं इतनी जल्दी बोलना नहीं चाहता था, मेरे चैनल लेते हैं सब. क्या बोला है तू? चाहता है सुन, देखो पसंद सीधा मुंह पे बोलना, बीच में आंखें लगा रहा है. तू तुझसे किस किस में बोला है? मौका मत दे. कह रहा हूं किस में बोल रहा है. गौरव को ऐसा लगा कि अश्विनी इज आफ्टर मी. गौरव ने उस बात को पूरा गलत तरीके से ले लिया. बहुत गंदा झगड़ा हो गया था इन दोनों का. सो फिर बाहर जाके सुबुही को मैंने बोला, मैंने कहा देख लिसन, मीनिंग ये था कहने का कि मैंने वहाँ पे ये बात बोलती थी इन केस कल को फैमिली देखती वो क्या सोचेगी इतने दिन के प्यार में पड़े. ये कैसा प्यार? तो मैंने कुछ कहा आकर बस बताइए ना कि उसने देखो एक गलत वे में पोर्ट्रे करी है. मैंने किस वे में बोली थी वो उसने, मैंने बोला कि मैंने मजाक में बोले अब तुम मेरी हम दोनों की लड़ाई होगी, तू इसको जाके बोल रही है वो तो देखो.
और वो सब दिख गया था वहाँ पे, परी और रूबी को समझ में आ गया था कि कौन सही है। तभी वो मेरे सामने बैठे थे तो मुझे कह रहे थे चल छोड़ तू इग्नोर कर वो बच्चा है। मतलब ज्यादा ही सर चढ़ा लिया बंदे को, बेफालतू में सर चढ़ाया हुआ मैंने। सताक्षी प्रियंका परी गेट रेडी फॉर योर सेकंड चांस विद द किंग एंड कम टू द फ्लोटिंग रेस्टोरेंट निखिल। हम लोग सेकंड चांस पे गए ऑन अ बोट, सो इट वाज सो लवली। आज ना मैं बहुत अजीब सी सिचुएशन में फंसा हूँ। आई थिंक विला में सबसे अच्छा कनेक्शन मेरा परी के साथ है। तुम्हारा तो क्लियर कट है प्रभजो, एंड प्रियंका द फर्स्ट डे व्हेन आई एंटर्ड स्पिरिचुअल आई पिक्ड यू फॉर माय टीम एंड इट जस्ट गॉट लॉस्ट समवेयर। तो अब मैं क्या करूँ, गिव मी गुड रीजंस के व्हाई शुड आई सेव यू। अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चांस मिले बिकॉज आई डोंट वांट टू लीव स्प्रिट्स विद एट ऑल। आई वाज लाइक परी तू तो बहुत एक्सपीरियंस हो गई डेट पे आके मेरे साथ, लेट्स मूव ऑन टू सताक्षी। टास्क करती हूँ, अपना 100% देती हूँ एंड जहाँ तक गेम जीतने की बात है प्रभजोत ऑफ कोर्स। दैट डजंट गिव मी एनी बेनिफिट राइट। राइट नाउ आई एम इन अ सिचुएशन वेयर आई कैन नॉट कैरी समवन एल्सस लोड विद एंड ड्रैग इट टिल द एंड। जब मैं स्पेशल आई थी तो मेरा मेन मोटिव ये था कि जीतना है, और जीतना मुझे इसलिए है क्योंकि वो मेरे को अगर अलोन डेट पे ले जाता है तो दे आर थिंग्स कि मैं तुझसे अकेले में शेयर करना चाहती हूँ वो चीज़ें। ओनली गर्ल हू स्पोक अबाउट गोइंग ऑन अलोन डेट, आई विल गिव इट टू यू। थैंक यू सो मच। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरे को अलोन टाइम पे ले गया, क्योंकि जो भी मेरे दिमाग में है वो सारी चीज़ें मैं उसको बताऊँ। यार मेरे रीजन देख स्पेशल में आने का यही था कि मेरे को जीतना है। आई वॉज नॉट हियर फॉर फेम, आई जस्ट वॉन्ट टू प्रूव टू माई मॉम दैट आई कैन डू समथिंग। आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू इट्स नथिंग कि मेरे को कैमरा पे दिखाना। आई नो मैं बहुत मेरे को पता होता कब फेक होता है और कब बंदा रियल होता है। Everybody has issues in their life, but I think she is very straightforward and she says her heart out. तो मेरे को उसकी वो चीज अच्छी लगी थी। जब सताक्षी डेट के बाद वापस आई, उन्होंने मुझे सेपरेटली मेरे साथ बात की, तो थोड़ी सी लो लग रही थी सताक्षी। So I'm going today, so give your best. All right. I was little insecure. Because मुझे लग रहा था प्रियंका she'll get a chance because you know first time dumping में थी। How do you know he's gonna save Pari and not you? How can you be so sure? परम ने सामने straight forward बोला है कि अभी तक जितने भी विला में हैं मेरा परी से जितना bond नहीं है, अभी तक किसी लड़की से नहीं है। इतना मैं जानता हूँ ये बात आज प्रियंका या सताक्षी में देख लियो। Welcome to the dumping ground. MTV Splitsville are 6, powered by and it's hot as hell. Ashwini, सुनने में आया कि आपकी और गौरव की दोस्ती में दरार पैदा हुई है। कोई दरार पैदा नहीं हुई, मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि उसको लगा था कि मैंने सुबुई को मतलब उसके बारे में कुछ बोला है, तो वो मैं क्लियर आउट नहीं कर पाया उससे, अभी तक नहीं कर पाया। गौरव कुछ नहीं, मुझे पता है कि उसने किस प्रेम में सुबुई को क्या बोला है, सो आई डोंट केयर। उसको मुझ पे ट्रस्ट है, सो आई डोंट केयर। सुबु आपकी तरफ से एक्चुअली द प्रॉब्लम इज आई वंडर व्हाई पीपल आर मोर कंसर्नड अबाउट अदर्स। या आई एम टॉकिंग अबाउट यू ओनली, डोंट से या। सबके सामने अगर तुम इतने खुलकर इतने प्राउडली यू कैन एक्सेप्ट इट दैट यस यू हैव गॉट फीलिंग्स फॉर समवन, देन व्हाई आर यू स्केयर्ड ऑफ। आई एम अ गर्ल एट द एंड ऑफ द डे, आई एम सपोज्ड टू बी पैम्पर्ड,
Not pamper, at least give me some attention. If you claim to love me, then come to me and talk. Why am I supposed to come to you all the time? So I'm trying to understand ki agar Subhi aapke aur Gaurav ke beech mein ye thodi si misunderstanding chal rahi hai, Ashwini ka topic kahan se hai? Because us सिचुएशन में जब इसके अंदर थोड़ी सी आग उछल रही है तब इस बंदे ने पेट्रोल डाल दिया तो लगा लो तो आग इतनी बड़ी होगी। अश्विनी, तो आपके वजह से क्या सुबू और उनके सुबी के बीच में दूरियां बन गई हैं? काफी डंपिंग पहले ये बात हुई थी कि किसने बोला था ही इज माय लव और इसने बोला था शी इज माय लव। तो गौरव ने मुझे ये बोला था कि जो उसने बोला ऑन कैमरा वो इतनी जल्दी नहीं बोलना चाहता था या क्योंकि ऐसी बोला था, बट इस बंदे ने क्या पोर्ट्रे करा है? अगर मैंने पोर्ट्रे करा आप इससे पूछो ना मैंने क्या पोर्ट्रे किया, बताएगी आपको मैंने क्या बोला इसको आके इसके बारे में? मैं इसको क्या बोलूँ, पहले भी इसकी मैं सोच के कि बच्चा है मैं छोड़ चुका हूँ, इसकी बातें मैंने इग्नोर करी है। किसी और पे देख, उसको मत देखना प्लीज भाई, ये तो ये आ गई भाई आंटी मेरे भाई, ये समझा करना भाई प्लीज ना भाई। उसने बोला, मैंने गौरव को जाकर बोला कि आई वांट टू बी विद हर, तो गौरव ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने तेको बोला नहीं था कि यार जो भी अगर आगे जाके कुछ होगा तो एज अ कपल हम दोनों ही होंगे। गौरव ये कहेगा कि भाई ठीक है मत कर बीच में, मैं उठ के चला जाऊंगा पागल, मैं उनमें से हूँ। कोई बात नहीं, अब देखता हूँ क्या बोलता है, तो भाई जवाब तो मेरे को देने आते ही है, बाद में देख लेंगे। मैंने कोई मोल्ड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मैं एक बार बता देता हूँ। पहले भी ऐसी हरकतें कर चुका है, मैं बहुत सपोर्ट कर लिया गौरव को इस मामले में कि वो जाके स्वीटली बात कर रहा है, वो स्वीटली बात कर रहा है, मैं उठ के वहाँ चल जाऊँ चाहे मैं डंप कर दूँ। मैं तू रो मत, चल पागल हो गया। इसकी बातें सुन के कहाँ रिएक्ट कर रही है तू? तेरी बातें खुद ही बोल रही हो ना, मैंने कुछ ना बोला उसको, पूछ ले जा। I don't know what he's jealous of. Shut up. Jealous? I don't know. I think so. Shut up. It's a strong word. That is the reason I'm feeling bad. That इसकी इतनी छोटी सोच है और उसको लग रहा है। छोटी सोच मेरी नहीं, छोटी सोच तेरी है। अगर यार यार अजीब बात ये है कि मैं बार-बार कहते आ रहा हूँ कि keep your friends close, keep your enemies closer. The two of you are really close to each other, but I can't tell whether you're friends or enemies. Both. It's really strange. मेरे को शर्म आती है कि मैंने कभी इसको दोस्त माना था अपना। शर्म? आती है भाई, शर्म आती है। कभी कभी तेरे लिए स्टैंड लिया और कभी दोस्त बोला था। मेरे लिए आज तक किसी ने कोई बात नहीं भाई, यही तो तेरा प्रॉब्लम है तुझे, यही तो दिक्कत हो रही है। तेरे को पता भी नहीं है, तेरे को पता भी नहीं कब लिया कब नहीं लिया। छोड़ ना यार, This is getting really tricky because ऐसा लग रहा है कि जिनको आप पुराने दोस्त समझते थे वो शायद दोस्त तो हैं मगर उतने अच्छे दोस्त नहीं है, और जिनको आप शायद दुश्मन समझते थे maybe they're not interested in being enemies at all. Splits villains. It's time to move on. आज जो तीन लड़कियां डंपिंग जोन में खड़ी हैं, उनमें से एक परम डंप करेगा। तीनों लड़कियों में से कोई एक लड़की को मिला बचा सकती है। And as always, जो भी डंपिंग जोन में खड़ी है, एक और हथियार आपके पास है। Fantastic book of health. क्या आप तीनों में से कोई भी आज बुक ऑफ हेल्थ खोलना चाहते हैं? नो, थिंक ट्वाइस। एक्सेलेंट। स्प्लिट्स विलन्स, क्यू कार्ड आपके साथ है। जिस लड़की को आप बचाना चाहते हो उनका नाम लिखिए प्लीज। प्रभजोत, सताक्षी, ये तो होना ही था। हाँ जी, गौरव, परी वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है तो, एंड मैं नहीं चाहता कि वो डंप हो। अमन, सताक्षी
पिछली बार इन्होंने अपना वोट आपको दिया, आज आपने अपना वोट इनको दिया, हिसाब बराबर हो गया। इसमें हिसाब बराबर की बात नहीं है, शी इज अ गुड फ्रेंड, सताक्षी के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग। टू वोट्स फॉर सताक्षी एंड वन वोट फॉर परे। तो अश्विनी दिखाई। स्प्लिट विलन्स, परी को दो वोट्स मिले, सताक्षी को दो, मतलब विला किसी भी लड़की को बचा नहीं पाया। इसका मतलब है अब खुलेगा हुकअप। बुक ऑफ हेल में लिखा है, इन द गेम ऑफ लव ओनली दो शैल स्टे हु फॉर लव विल सैक्रिफाइस टुडे। सो यू कैन सेव योर डियर वन टुडे बट टुमारो अ प्राइस यू शैल हैव टू पे। सो आर यू विलिंग, आर यू प्रिपेयर्ड, विल यू टेक द रिस्क और विल यू गेट स्केयर्ड। प्रभजोत, अमन, अश्विनी, गौरव, आप चाहें तो परी, सताक्षी, प्रियंका में से किसी एक को बचा सकते हैं, पर याद रखें बचाने वाले को आगे चलकर नुकसान हो सकता है। अब आप बताएं कि आप में से किसे फायदे और नुकसान की फिक्र नहीं है, है कोई यहां पर? मैं अपनी रानी सताक्षी को बचाना चाहूंगा। अपनी रानी को बचाना चाहेंगे? हाँ जी। सच्चा प्यार फायदे या नुकसान के बारे में नहीं सोचता, करेक्ट? करेक्ट। सताक्षी, आप जा सकते हैं सेफ जोन में। सताक्षी? यस। स्टॉप। Please come here. ये आपको देना है प्रभजोत को और वक्त आने पर आप इसे खोलोगे। परम, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि प्रभजोत सताक्षी को बचा लेगी? इट्स गुड, एटलीस्ट कोई तो है जो ट्रू ट्रू लव है किसी के अंदर। पर भाई ये चीज़ तेरे हाथ में है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है। एनीवे, किंग परम, आज प्रिस्टला से अब परी और प्रियंका के बीच में से किसको डंप करना चाहते हैं? जस्ट टू हार्ड बिकॉज I like Pari. प्रियंका पहली बार डंपिंग में आई है, बट मैंने उसको अब तक रेगुलरली देखा है, वो हर टास्क में अच्छा परफॉर्म करती है। शी गिव्स हर बेस्ट और मेरे को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। वेरी सॉरी Pari, I'll dump you tonight. It's okay. प्रियंका, आप सुरक्षित हैं, कंग्रेचुलेशंस, सेफ जोन में जा सकते हैं। परी, जाने से पहले क्या आप खुलकर कुछ बातें रखना चाहेंगी सबके सामने? इन गर्ल्स के साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम बीता है एंड आई एम हैप्पी कि तुम चारों मुझे मिली।
स्प्लिट्स विलन्स। एक बात अब सबके मन में चल रही होगी कि जो स्क्रोल प्रभजोत के पास है उसके अंदर क्या लिखा है। व्हाटएवर यू डू डू नॉट ओपन इट टिल इट्स टाइम। ऑल द बेस्ट। गुड नाइट। गुड नाइट।